दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में कृषि संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के संदर्भ में सोमवार को छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा, साथ ही इस समस्या पर गंभीरता से विचार करते हुए इसके निस्तारण की मांग की है। गौरव वर्मा की अगुवाई में बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया में छात्रों ने कुलपति कार्यालय का घेराव कर विश्वविद्यालय के कृषि संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान छात्रों का कहना था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि स्नातक एवं प्रस्नातक शिक्षा सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत अनिवार्य रूप से संचालित है, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबंध में महाविद्यालयों में आज भी ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि छात्रों को प्रवेश के लिए अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोग माना जा रहा है तथा नौकरियों में भी आयोग माना जा रहा है। इस मौके पर छात्र नेता अंशुमान पाठक एवं आलोक सिंह ने बताया कि छात्रों की समस्त समस्याओं से कुलपति को अवगत कराया गया है। इसके पश्चात कुलपति ने विश्वास दिलाया है कि जल्द ही छात्रों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता गौरव वर्मा और कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, हमको तो आपने कभी नहीं मिल के कहा कुछ ऐसा कुछ है, ये बताइए किसको दिया? हाँ विशा बोल रहे हैं, आपने सेमेस्टर जो अरे प्रमाण पढ़ा तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आपने जो कह रहे हैं बच्चों से कि हमने कुलपति जी को दे दिया, आपने क्या हमको दिया? तो सेमेस्टर की मांग है तो सेमेस्टर की मांग आप चिट्ठी दोगे तभी तो कम मांग पूरी होगी। अभी आपने कहा दिया विश्वविद्यालय में हम क्या बात करते हैं, 20 रुपए की बात मत करिए आप। अरे हम इस तरह से हम कभी बोलते ही नहीं कि अगर हाँ तो दीजिए ना, तो कार्रवाई होगी। इसमें कोई बाहर ICR का नियम है, इसको ना आप मना कर सकते हैं ना हम मना कर सकते हैं, छात्रों का नुकसान थोड़ी करेंगे। अब तो आप बात करो कि आके चार साल तक आप डीन बने हैं, अभी तुरंत बना करके लिखित प्रस्ताव विद्यालय में कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध कराइए, वहाँ से तुरंत कार्रवाई होगी। हाँ कल कराइए आप जो है बात कर रहे हैं और उन्होंने ये बात की, ये बात होते नहीं चलता, ये सब लिखित कार्यक्रम होते हैं। अरे घेरे नहीं, लड़कों को तो मैं खुद ही कहता हूँ कि तुम सबको घेरो। आरोप आपके ऊपर लगाना ना सर, ये आरोप आपके ऊपर तब यूं कमेटी में ये कर देंगे बेटा ना, ठीक ना, वो सर कर देंगे सर में जो कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है यार कार्रवाई करेंगे ठीक नहीं सर बेटा, एक को जमाना काम नहीं होगा के देगा तब हां पता नहीं के देगा का जी ICR तो होगा इनो बच्चे जो चलेगा उनका कोटियां मोरी का। गौरव वर्मा छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। आज हम लोग कुलपति महोदय के पास BRD PG कॉलेज के सभी छात्र छात्र के साथ आए थे मिलने, वहाँ की ये समस्या है कि वहाँ BSc AG में न ही सेमेस्टर प्रणाली लागू है न MSc में लागू है, वो ICR का नियम का हवाला दे रहे हैं और बता रहे हैं ये कि सेमेस्टर प्रणाली अगर नहीं रहेगी एनुअल से रहेगा तो हमें नौकरियाँ नहीं दी जाएंगी, जो लिमिटेड कंपनियाँ हैं चाहे सरकारी हैं फिर चाहे वो प्राइवेट है। वो बता रहे थे कि यहाँ कुलपति महोदय कोई पास आउट कोई नहीं कर रहे थे, यहाँ से कुलपति महोदय का कोई आदेश नहीं जारी हो रहा था, तो हम लोग यहाँ कुलपति महोदय से मिलने आए तो यहाँ ये पता चला कि वो उनके जो डीन हैं वहाँ के जो प्राचार्य हैं इन लोगों को भरमा रहे थे, उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। कुलपति महोदय ने हमें आश्वस्त किया है सारे छात्र छात्राओं को कि आप लोग जाइए तुरंत वहाँ से एप्लीकेशन लिखवाइए, मैं आगे तुरंत उसको फॉरवर्ड करूँगा और इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हम तो छात्र नेता इसीलिए आए थे, टीचर फैकल्टी के छात्र आए थे और उनका एग्रीकल्चर फैकल्टी जो है हमारे महाविद्यालयों में चलता है, विश्वविद्यालय कैंपस में नहीं चलता वो, और वो
अपना जो है ICR से गवर्न होते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की कुछ नियमावली है, उसका पालन करना अनिवार्य होता है। और बच्चों ने हमें बताया कि उसमें अब एनुअल की जगह सेमेस्टर सिस्टम लागू करना अनिवार्य हो गया है। और उनके जो डीन हैं उनकी उनसे बात की गई, बच्चों ने फ़ोन किया, उनसे बात किया गया। डीन ने कहा है कि ये जो चीज़ें अभी नहीं आई हैं ICR के द्वारा, उसके बारे में शीघ्र ही प्रस्ताव बना करके विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। जैसे उनकी तरफ से प्रस्ताव आ जाता है, विश्वविद्यालय अपने नियमों के अंतर्गत विभिन्न चरणों से होते हुए इसको शीघ्र इसको लागू करेगा।